कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी VI यानी आइडिया का नया सिम खरीदा है तो आप उसमें अगर वो फ्लैश मैसेज आ रहे हैं तो आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम नया सिम लेते हैं तो हमारे मोबाइल में बार बार जो है हमारी स्क्रीन पे एक फ्लैश मैसेज आता है, जो कि अपने आप ही इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको ये मैसेज दिख रहा है, तो ये बिना किसी सेंड किए या बिना किसी उसके हमारे स्क्रीन पे अपने आप आते हैं, और इस पर अगर आप ओके कर देते हैं तो आपका बैलेंस कट जाता है, आपकी कोई भी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इसको आप अपने मोबाइल में कैसे बंद कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपको जो है आपके जो फ्लैश मैसेज बंद करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से, अभी मैं MI का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सिम टूलकिट। ये हर किसी के मोबाइल में ये आइकन होता है सिम टूलकिट का, तो ये आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको आपके सर्च बार में जाके इस तरीके से आप सेटिंग्स में जाएंगे। आपको सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है सिम टूलकिट। आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है सिम टूलकिट। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी आपको देख सकते हैं, मैंने जैसे कि सिम टूलकिट ओपन किया है। अब आपका आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास VI का सिम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फ्लैश, फर्स्ट पे ही देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्लैश। तो आपको इस तरीके से इस फ्लैश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्लैश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ऊपर फर्स्ट ऑप्शन लिख के आता है एक्टिवेशन। तो आप इस एक्टिवेशन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। अगर आपकी सिम पे जो है फ्लैश मैसेज आ रहे हैं, VI के सिम पे फ्लैश मैसेज आ रहे हैं, या आप आइडिया या फिर वोडाफोन या फिर आप जो भी सिम एयरटेल या फिर जियो जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें जाके यहाँ पे फ्लैश पे जाके इस तरीके से सिम टूलकिट में ये ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों कई वीडियो में आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पोस्टपेड या फिर प्रीपेड में है, तो ये जो सिम टूलकिट का ऑप्शन है ये तो आप चाहे प्रीपेड का सिम हो या फिर आपका पोस्टपेड सिम हो, दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से फ्लैश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे जो है एक्टिवेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से डीएक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आया प्रेस ओके टू कंटिन्यू द डीएक्टिवेट प्रोसेस। तो आपको ये ओके पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आपके जो आप फ्लैश मैसेज हैं आपकी स्क्रीन पर आते हैं वो अब जो है बंद हो जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो है मैसेज आना बंद हो जाएंगे। आप फ्लैश मैसेज जो आपके पर्सनल मैसेजेस हैं वो प्रॉपर आएंगे, जो फ्लैश मैसेज जो कंपनी के मैसेज आ रहे थे वो आना बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने VI के सिम में फ्लैश मैसेज को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।